भाई दूसरे ब्यांत की है, बहुत बढ़िया। और दूध इसमें आया था 11-12 किलो, ठीक है। अभी मौके पर ठंडा दूध इसमें 10 किलो है। 10 किलो दूध, ज्ञापन भी है। 2 महीने की कन्फर्म चेक पास, 2 महीने की कन्फर्म चेक, कन्फर्म चेक पास। डॉक्टर आपके पास ऐसा है ही जो 30-32 दिन भाई का? एक नहीं, 10 आदमी है, कोई भी भाई आएगा चेक करा के दूंगा। बहुत बढ़िया सर, दूध निकाल के दूंगा, ठीक है। पिछली वीडियो मैं आपकी कवर करके गया था, लोग कह रहे थे 1.5-1.5 लाख रुपए बाकड़ी भैंसों के ज्यादा मांग लिए, तो आप ही उनको बता दीजिए सेल हुई या नहीं हुई वो। भाई संदीप, हाँ, लोगों का तो एक भाई लिख रहा था 90,000 की, एक भाई लिख रहा था कमेंट में 60,000 की है। हाँ, हाँ। उस वीडियो में सबसे पहले 10 मिनट के अंदर अंदर जी बिकने वाली, हाँ, पहली भैंस 1.5 लाख वाली थी। अच्छा, धार चुवाई कैसी है जी सर? भाई धार चुवाई तो मैं आपको दिखा भी दूंगा, हाँ, हाँ। लेकिन 100 भैंस काटने के बाद 1 भैंस की चुवाई धार पोसाब मिलेगा, ठीक है। और ब्लैक जेड कोई 2-4 ही बाल सफेद है भाई। भाई फर्स्ट टाइमर है, बहुत बढ़िया, दांतों से भरी हुई है, ठीक है, जेन्युइन फर्स्ट टाइमर है जी। लेने वाला इसे कोई चाहे दूसरे ब्याह की करके ले चाहे पांचवे ब्याह की करके ले, ठीक है, है फर्स्ट टाइमर जो जी। हाँ जी, कितने दिन की ब्याई होगी? ब्याई और हो गया 16 दिन की, 16 दिन की, 16-17 दिन की, ठीक है। छटाव कर रही है अब भी भाई साहब। दूध कितना है अभी? भाई मौके पे 15 किलो दूध, बिल्कुल ठंडा, कोई झाग का नहीं, कोई झप्पे का नहीं, हाँ हाँ, बिल्कुल 15 किलो दूध, किसी भी टाइम कोई भी भाई आ जाए, ठीक है। भाई गारंटी तो आजकल हमारी आपकी भी नहीं है, ठीक है, गारंटी जो दूध बता दिया 4 टाइम निकाल के ले जाओ, ये ज्ञापन बता दी चेक करा के ले जाओ। अगर कोई भाई ऑनलाइन मंगाएगा इसकी ज्ञापन की और ध्वज पोसाव की जी, इसकी धार पोसाव की, धार पोसाव की, दूध देखना है, ज्ञापन चेक करानी है, यहाँ आओ चेक कराओ, दूध देखो लेके जाओ, ठीक है। कितने टाइम का दूध आप दिखा करके दोगे? जब तक ग्राहक संतुष्ट ना हो, 1 टाइम खाली कर लो, 2 टाइम दूध निकाल लो। बहुत बढ़िया जी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विराज डेयरी एंड फार्मिंग में। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, सुरक्षित होंगे। तो पशुपालकों की डिमांड पे आज की स्पेशल वीडियो, जो बाखड़ी या बिन बाखड़ी मिनी है वो आप यहां पे देखिएगा, साथ में काफ़ी सारे पशुपालकों की डिमांड आती रहती है। एक फर्स्ट टाइमर झोटी काफ़ी ज़बरदस्त क्वालिटी में आप सब भाइयों को दिखाएंगे, काफ़ी जानी पहचानी जगह है, काफ़ी जाना पहचाना नाम है वो, डिस्ट्रिक्ट गुरुग्राम का गांव है पलड़ा, एक ही लोकप्रिय चेहरे अजय पलड़ा सर के यहां से जो वीडियो है लेकर के आ रहे हैं। पशुपालकों के लोकप्रिय रहे हैं न सिर्फ पशुधन बेचने में बल्कि मैं कहूँगा अच्छी और खरी बातें कहने के लिए भी इनको जाना जाता है। तो शुरू से पशुपालकों का दिल जीतते आए हैं, आज फिर से 2 झोटियां दिखाएंगे, सीधा लेकर के चलते हैं अजय सर के पास, जानेंगे डिटेल्स। नमस्कार अजय सर। नमस्कार भाई संदीप, सबसे पहले तो आपका यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी बार बार, और सभी देशवासियों को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर राम राम भाई जी। कैसे हो सर? ठीक हो? बहुत बढ़िया संदीप। कैसा काम चल रहा है आपका? बहुत बढ़िया चल रहा है भाई संदीप, ठीक है। पिछली वीडियो मैं आपकी कवर करके गया था, लोग कह रहे थे 1.5-1.5 लाख रुपए बाकड़ी भैंसों के ज्यादा मांग लिए, तो आप ही उनको बता दीजिए सेल हुई या नहीं हुई वो। भाई संदीप, हाँ, लोगों का तो एक भाई लिख रहा था 90,000 की, एक भाई लिख रहा था कमेंट में 60,000 की है, हाँ हाँ। उस वीडियो में सबसे पहले 10 मिनट के अंदर अंदर जी बिकने वाली, हाँ, पहली भैंस 1.5 लाख वाली थी। अच्छा भाइयों, अपने पशु का दूध बढ़ाने के लिए, अच्छे पसाव के लिए और टीका छुड़ाने के लिए LDM के साथ मिल्क मास JS की गोली जरूर दें। और हाँ, आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं फ्लिपकार्ट और Amazon से, और यह दोनों हरेक मेडिकल स्टोर पर भी उपलब्ध हैं। और बिकने के बाद, हाँ, देखो आगे तो अपना नसीब है, क्या हो जाए क्या ना हो जाए तो किसी को नहीं पता, भरा बंदूक है ये जी। जी आपके पास भी फोन आया और आज तक मेरे पास भी 50 बंदों का फोन आता है, 10,000 अगले बंदे को भी नफा देने के लिए तैयार थे यहाँ 1.5 लाख की बिकने के बाद। सही, भी सही बात है। हाँ जी भाई जी। संदीप, सबसे पहले 10 मिनट में बिकी थी वो 1.5 लाख वाली झोटी, उसके बाद वो दोनों बिकी है भाई, ठीक है। तो आज 2 पशुधन फिर से दिखा। हाँ जी भाई संदीप, आज 2 हैं, ठीक है। एक चेक पास है बिल्कुल, हाँ। वीडियो में सभी भाइयों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अपना यहाँ आओ, 2 टाइम दूध निकालो और चेक करवा के ले जाओ। जी जी जी। हाँ जी जी। और एक सभी भाइयों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, गांव मेरा पलड़ा जी, डिस्ट्रिक्ट गुरुग्राम जी, तहसील बाशियापुर, बहुत बढ़िया, बार बार परेशान ना करे, कहाँ से हो कौन हो। जी जी जी। और एक सबसे बड़ा क्वेश्चन हर भाई का ये रहता है, कितने दूध की भैंस कितने में मिल जाएगी? हाँ हाँ भाई, जैसी भैंस है वैसा रेट है जी, भैंस का पैसा दूध से तय नहीं होता, भैंस से तय होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी भाई,
तो मीनी से ही शुरुआत कर लेते हैं। हाँ भाई, आज ये मीनी है, देखो हाइट वजन लेंथ, पशु तो बहुत लोग बेच रहे हैं। जी जी, सब अपना अपना, सभी हर आदमी अच्छा ही लाने की कोशिश करता है भाई, बुरा कोई नहीं खरीदता। बिल्कुल, लेकिन ये काली माई है, बुरी भी निकल गई है। सही सही, इसमें कोई ये मशीन का प्रोडक्ट तो है नहीं, एक बार बटन दबाए और अच्छी अच्छी निकलेगी। ठीक है, हाँ जी भाई, बात करें जानकारी क्या कुछ डिटेल्स है एक बार बता दीजिए भाई। दूसरे ब्यांत की है, बहुत बढ़िया, और दूध इसमें आया था 11-12 किलो। ठीक है, अभी मौके पर ठंडा दूध इसमें 10 किलो है। 10 किलो दूध, कुछ तो ये चल के आई है जी, कुछ ये चेक कराई है। ठीक है, हाँ जी ठीक है, तो अब मौके भी है जी, ग्याबन भी है, 2 महीने की कन्फर्म चेक पास, 2 महीने की कन्फर्म चेक, कन्फर्म चेक पास। डॉक्टर आपके पास ऐसा है ही जो 30-32 दिन भाई का? एक नहीं, 10 आदमी है, कोई भी भाई आएगा चेक करा के दूंगा। बहुत बढ़िया सर, दूध निकाल के दूंगा। ठीक है, नीचे मेल काफ है भाई, नीचे मेल काफ, हाँ जी ठीक है भाई। हाइट लेंथ क्वालिटी पीठ पुट्ठा जी, देखो हाइट देखो भैंस की, देखिएगा काफी अच्छी जो झोटी है मिनी। सेकंड टाइमर आपसे पशुपालकों के सामने चेक पास ज्ञापन कह रहे हैं, 2 महीने का चेक करा दिया है पशुधन को लेकर के, चेहरे मोरे की बनावट से और पीठ बड़ी चेक कराई है भाई, ये काफी काफी बेहतरीन, काफी शानदार। तो 10 किलो दूध, 12 किलो दूध चेक करके लाए थे, लेकिन 2 दिन से सर्दी ज्यादा हो रही है, उसी चक्कर में 10 किलो जो दूध है मौके पे तैयार है, और नीचे हेल्दी मेल काफ यानी कि जो कटड़ा है वो आपसे पशुपालक भाइयों को देखने को मिलेगा। पशुधन जो झोटी है वो आप देख सकते हैं, पैरों के बीच का आर्डर, चेहरे मोरे की बनावट से सुंदरता से भरपूर जो झोटी है वो आपसे पशुपालक भाइयों के सामने, और मैं कहूँगा कद काठी है काफी जबरदस्त, चेहरे मोरे की जो बनावट सुंदरता है वो आप देख लीजिए भाई, साफ सुथरी भी नीचे की बहुत है भाई। जी जी जी, देखो कितना फासला है गैप, देखो है। तो फोरवर्डर की मैं बात करूं, फोरवर्डर में जो कोई बिल्कुल एक सूत भर का भी साइड नहीं है जी, जी जी बिल्कुल चौरस है बिल्कुल। ठीक है, तो हाइट लेंथ पीठ पुट्ठा सारी चीज अच्छी है भाई। धार चुवाई कैसी है जी सर? भाई धार चुवाई तो मैं आपको दिखा भी दूंगा, लेकिन 100 भैंस काटने के बाद 1 भैंस की चुवाई धार पोशाब मिलेगा। ठीक है ठीक, और ब्लैक जेड है, कोई 2-4 ही बाल सफेद है भाई। जी जी जी, हाँ जी, तो प्योर जेड ब्लैक टेल में जो पशुधन है वो बिल्कुल हाइट लेंथ देखो कितनी अच्छी है जो। ठीक है ठीक है जी भाई, तो जैसे पिछली वीडियो में था 1.5 लाख कीमत, ऐसा तो नहीं कि इसको भी हमने 1.5 लाख में भाई, 1.5 लाख का पशु 1.5 लाख का होगा बिल्कुल, पशु तो 2.5-2.5 लाख के भी हैं। हाँ हाँ सही, अभी मैंने मार्केट में एक झोटी अगर सौदा बन गया तो फिर उतारूंगा जी, 2 लाख रुपए बाखड़ी झोटी के लगा रखे हैं। अच्छा जी, धनी 2.25 से नीचे नहीं आ रहा, बहुत बढ़िया। तो पशु जैसा पशु है वैसा रेट देना पड़ेगा। ऐसा क्या सोच करके इतनी कीमत आप लगाते हो कि बाखड़ी भैंसों की भी 2-2 लाख रुपए लगा देते हो भाई? भैंसों की कोई कीमत तो है ना, 51 लाख की भी बिक चुकी अब तो जी, क्या जी, कीमत है भैंसों की जी, और 5-7 की तो डेली बिकी रही है जी। अच्छी भैंस 2.5-3 लाख रुपए की, तो अभी इस मौसम में जो अच्छी क्वालिटी की झोटी है हाँ, जिसमें 18-20 किलो दूध है, 3-3.5-4 की बिक्री है भाई। ठीक है, नॉर्मल भैंस बिक्री है 1.25 लाख रुपए की तो आज। तो आपका कहने का मतलब ये है असली हीरे की परख जोरी को होती हाँ है जी। और कमेंट जब... तो मैंने आपको बताया ना, उसमें भी लोगों ने 90,000 की है ज्यादा रेट है, 1.5 लाख की बाखड़ी है जी। मैं ये फिर कह रहा हूँ, 5 मिनट में बिकने वाली भैंस थी वो, सबसे पहले 1.5 लाख वाली बिकी, पीछे 2 भैंस बिकी है मेरी। तो बात करें सर कीमत मोल भाव, आज के दिन क्या कीमत रहने वाली है इसकी? भाई कीमत तो अब आपने 1.5 वाला जिक्री कर दिया चलो अपने भाव मारिए, आप भी भाव में दे देंगे। ठीक है बता भाई, इसकी कीमत है 1,05,000 रुपए। 1,05,000 रुपए, हाँ जी। तो मान सम्मान की कोई गुंजाइश इसमें? हाँ, कोई भाई आएगा तो करेंगे, करोगे, घना तो है नहीं लेकिन है। जी 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 जी, झोटी को देखो भाई, 2-4 हजार फालतू भी लग जाए तो भी कोई दिक्कत ना है, लेकिन पशु होना चाहिए भाई, काफी अच्छी झोटी है, 2 महीने की चेक पास है जी, और दूध की भी बहुत अच्छी है भाई। हाँ हाँ हाँ, अच्छे दूध की है। ठीक है सर, लेने वाला देख लेगा कितने दूध की है जी। हाँ जी भाई, मिल्किंग दिखा देंगे एक समय की? हाँ दिखा देंगे भाई, दिखा देंगे। ठीक है, बात आए अब आपकी जो फर्स्ट टाइमर झोटी है इसकी, और क्या कुछ जानकारी एक बार बता दीजिए भाई। फर्स्ट टाइमर है, बहुत बढ़िया, दांतों से भरी हुई है। ठीक है, जेन्युइन फर्स्ट टाइमर है जी, लेने वाला इसे कोई चाहे दूसरे ब्यात की करके ले चाहे पांचवे ब्यात की करके ले, ठीक है, है फर्स्ट टाइमर जो जी। हाँ जी, कितने दिन की ब्याई होगी? ब्याई और हो गया 16 दिन की, 16 दिन की, 16-17 दिन की। ठीक है, छटाव कर रही है अब भी भाई साहब। दूध कितना है अभी भाई? मौके पे 15 किलो दूध, बिल्कुल ठंडा, कोई झाग का नहीं, कोई झप्पे का नहीं। हाँ हाँ, बिल्कुल 15 किलो दूध, किसी भी टाइम कोई भी भाई आ जाए। ठीक है, बच्चा नीचे? बच्चा नीचे मेल काफ है, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, कई भाइयों की डिमांड थी, बोलते थे कमेंट में, वीडियो में, औरों में भी, अक दूध रोक का वीडियो बनाता है जी, कोई भी भाई कहीं से आ जाएगा यही जोश मिलेगा इसको। जी 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 जी, 15 किलो दूध मौके पे तैयार है भाई, 15 किलो दूध
फर्स्ट टाइमर झोटी, फर्स्ट टाइम की 3 किलो की अगाड़ी है भाई, बहुत बढ़िया जी, 3 किलो की, ठीक है ठीक है। हाँ जी, तो एक बार खोल लें इसको भी, सींग देखो, हाइट देखो, पीठ पुट्ठा देखो, हर चीज देखो झोटी की, तो और अभी महल्ले पे लगी हुई है झोटी। फर्स्ट टाइमर झोटी काफी सारे पशु पालकों की डिमांड, और उसके ऊपर 16 दिन की व्यय हुई है, 15 किलो जो दूध है मौके पे तैयार लेकर के चेहरे मोरे की बना भाई से। कोई भी भाई झोटी आके पास कर ले, देख ले, दुहाई कर ले, 16 किलो दूध काट के झोटी दे दूंगा 3-4 दिन में। ये देखो जी, काफी अच्छी ऑर्डर क्वालिटी, बेहतरीन जो ऑर्डर है, बेहतरीन और थन पासने के बाद ऐसा निकालती है बढ़िया वाला थन बिल्कुल। जी जी जी, तो ऑर्डर में जो मोटी मोटी नसें देखो भाई, अगर ऑर्डर में नसें हैं वो आप देख लीजिए, इतनी नस मिली है भाई ऑर्डर में, पशुधन है जबरदस्त, जो कदकाठी है वो आपको देखने को मिलेगी, ब्यूटी वाला जो चेहरा मोरा है वो पतली चमड़ी का पशुधन, और अजय पलड़ा सर जाना जाता है इनको, मैं कहूंगा जबरदस्त पशुधन के लिए डिस्ट्रिक्ट गुरुग्राम से भाई नस दिख रही है झोटी की, जो लोकप्रिय चेहरे हैं वो ऑर्डर की क्वालिटी में, जो वेन्स नसें आप देख लीजिए, साफ साफ एक दुधारू पशुधन को यहाँ पे प्रमाणित करती हुई, ये देखो जी। तो मैले से लग चुकी है सर, भाई मैला कर रही है, मैले से लग चुकी है, 2 दिन हो गए, 3 दिन बढ़िया मैला कर रही है, तो किलो 2 किलो दूध और भी बढ़ेगा अभी तो भाई, बढ़ने का घटने का तो पता नहीं। हाँ। कोई भी भाई सौदा कर ले, 16 किलो दूध 4 टाइम चुआ के दे दूंगा झोटी का, बहुत बढ़िया सर। हाँ जी, बात करें कीमत मोल भाव भाई, मार्केट में ऐसी झोटियों के 2-2.5 लाख रुपए मांग रहे हैं लोग, बाग ठीक है, बाखड़ी भी बिक जाती है भाई ऐसी झोटी 1-10-1-20 की, तो क्या बन चेक पास हो तो जी, जी। भाई आज इसका रेट है 1,55,000 रुपए, 1,55,000 रुपए जो फर्स्ट टाइमर झोटी है पशु पालकों को देना पसंद करेंगे, तो 1.5 लाख रुपए कीमत है, किसी को अच्छी लगे तो जरूर यहाँ पे विजिट करें और पशुधन को देख करके जांच परख करके ले जाएं। बात करें गारंटी वारंटी क्या कुछ रहेगी भाई, गारंटी तो आजकल हमारी आपकी भी नहीं है, ठीक है, गारंटी जो दूध बता दिया 4 टाइम निकाल के ले जाओ, ये क्या भण बता दी चेक करा के ले जाओ, अगर कोई भाई ऑनलाइन मंगाएगा इसकी क्या भण की और ध्वज पोसाव की जी, इसकी धार पोसाव की, धार पोसाव की, दूध देखना है क्या भण, चेक करानी है, यहाँ आओ चेक कराओ, दूध देखो लेके जाओ, ठीक है। कितने टाइम का दूध आप दिखा करके दोगे, जब तक ग्राहक संतुष्ट ना हो 1 टाइम खाली कर लो, 2 टाइम दूध निकाल लो, बहुत बढ़िया जी। हाँ जी भाई, ठीक है, तो रहने खाने की सुविधा अपने पास भाई है? जैसे गरीब आदमी है वैसी सब चीज की मिल जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल सर, देखो वैसे गरीब हो सकते हो लेकिन मन के और तन के गरीब नहीं हो सकते आप, क्योंकि आपकी जो नेक नियति है वो काफी अच्छी है। और एक सभी भाइयों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है जी, कि भैंस दिलाने का मेरा कोई काम नहीं है, कोई भाई परेशान ना करे, हम आ रहे हैं भैंस दिला दे, भैंस दिलाने का कोई अपना चक्कर नहीं है भाई, बहुत बढ़िया सर, अपने खुट्टे पे ही बेचता हूँ लिया के। चलिए अजय सर, आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा, और क्या कुछ कहना चाहोगे? बस भाई मैं तो ये कह रहा हूँ, कहीं से भी लो, कोई मैं राजा हरिश्चंद्र ना और कोई और राजा हरिश्चंद्र ना, जी बिल्कुल, अपना पशु आके देख के जांच के लो, ठीक है ठीक है। हाँ जी, ये मिनी का मेल, हाँ जी ठीक है, और ये पहले ब्यांत वाली झोटी, ये फर्स्ट टाइमर जो झोटी 15 दिन की ब्याई हुई जो बता रहे हैं, सर्दी इतनी है भाई, निलाने दुलाने ये तो निला ही नहीं है, निला दुला नहीं रखा। हाँ जी, तो दोनों पशुधन काफी अच्छे हैं, और एक समय की मिल्किंग रेफरेंस के लिए जरूर दिखाना चाहूंगा। अजय सर आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा, तो रेफरेंस के लिए जो वीडियो है पशुपालक भाइयों के सामने लेकर के आए हैं, और एक समय का जो दूध है जो ग्याबिन बाखड़ी जो मिनी झोटी है उसका दिखा देते हैं, सेकंड लैक्टेशन में है अजय पलड़ा सर, खुद इसके नीचे बैठे हैं, काफ़ी अच्छी झोटी, थनों का जो पोसाव है वो आप देख लीजिए, और खाली बाल्टी एक बार दिखा दो सर, ये देखो दोनों थनों की, अगले थनों की धार मार के दिखा दीजिएगा, और दोनों पिछले वालों की, ये देखो काफ़ी लंबे जो मजबूत थन हैं वो इसमें आपको देखने को मिलेंगे, और पीछे वाले थन और दिखा दीजिए, ये देखिएगा जी। तो जितना भी दूध बता रहे हैं पशु पालकों के समक्ष, मैं कहूँगा जितनी मर्जी आकर के यहाँ पे देख लीजिएगा, किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है, काफ़ी अच्छी दुग्ध उत्पादन क्षमता के साथ जो मिनी झोटी है, साथ में एक जो फर्स्ट टाइमर झोटी है वो आपसे पशु पालकों को देखने को मिलेगी, दोनों काफ़ी अच्छी झोटियाँ हैं, किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं। बात करें डिस्ट्रिक्ट गुरुग्राम की, डिस्ट्रिक्ट गुरुग्राम ने हमारे पशु पालक भाइयों को काफ़ी कुछ दिया, न सिर्फ नौकरियाँ बल्कि एक से बढ़कर के एक जो खिलाड़ी, पलड़ा गांव की अगर मैं बात करूं तो भाई हुए हैं हमारे बहुत अच्छे पलड़ा गांव से, कबड्डी के प्लेयर अनूप भाई हैं, और इंडियन टीम के जो कप्तान जो कैप्टन हैं वो भी रहे हैं, वो इसी गांव से हैं, और हरियाणा पुलिस में कार्यरत हैं, इंस्पेक्टर की पोस्ट है उनकी, तो ऐसे ऐसे युवा खिलाड़ी भी इस गाँव से निकल करके आए हैं,
और ये सब पॉसिबल हुआ खान पान के ऊपर, क्योंकि वो एक टैगलाइन है, कहा जाता है देशों में देश हरियाणा जहाँ दूध दही का खाना, और वो इसी चीज़ों से, इन्हीं वजह से पॉसिबल हो पाता है। अच्छी भैंसें, अच्छी गायें, अनु भाई की भी एक वीडियो हम कवर करेंगे, भाई से मिलते रहते हैं, और बहुत अच्छी अच्छी जो पशु हैं वो भी उनके फार्म पे, एक बहुत अच्छी एकेडमी चला रहे हैं जहाँ पे कबड्डी के लिए जो प्रशिक्षण है, जो कोचिंग है, हमारे जो खिलाड़ी हैं, युवा खिलाड़ी जिनको हम कहेंगे, उनको टाइम टू टाइम पे देते रहते हैं, अभी भी दे ही रहे हैं। तो ऐसा गांव है और इंडस्ट्रियल गांव है काफ़ी, हर तरीके से संपूर्ण जो गांव है वो। अजय पलड़ा भाई, कितना साल हो गए अजय सर वैसे आपको काम करते हुए? ये भाई हो गए 25-26 साल। 25-26 साल हो गए, तो मुसीबतें भी काफ़ी देखी होंगी आपने, झेली भी होंगी भाई। मुसीबत तो अब भी चली रही है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ होगा कि शुरू में ही आप स्टार बन गए थे जब से वीडियो आपकी कवर होने लगी थी? भाई स्टार तो आज भी ना है, लेकिन पशु अच्छा ही लाने की कोशिश करते हैं, अच्छा ही देने की करते हैं, लेकिन 100 पशुओं में से एक आध खराब भी निकल जाए, जब भी हम भी लाते ही हैं, बिल्कुल अच्छे की कोशिश करते हैं, लेकिन आ जाता है एक आध पशु। सही तो। सही बात है सर, तो देखिएगा बहुत अच्छी बात कही, स्टार तो हम आज भी नहीं है, क्योंकि आदमी जिस ओहदे पे खड़ा हुआ है उसके ऊपर उसको घमंड नहीं करना चाहिए कभी भी, और जमीन से जुड़े हुए इंसान मैं कहूँगा, जितनी बार भी भाई से फ़ोन पे बातें होती है, जितनी बार भी पशुधन दिखाते हैं, हमारे मन में भी कहीं ना कहीं एक ललक रहती है कि कुछ ना कुछ अच्छा ही दिखाएंगे पशुपालक भाइयों को, ताकि सबको एक अच्छा पशुधन भी मिले, रेट भी अच्छे मिले, और वीडियो के माध्यम से जो पॉपुलर चेहरे हैं, जो लोकप्रियता इनको मिली है, वो काफ़ी काफ़ी सराहनीय, काफ़ी काबिले तारीफ। तो जो मिनी झोटी है इसकी लाइव मिल्किंग आप लोग देख पा रहे हैं, एक समय का दूध अप्रोक्सीमेट, एक उम्मीद, एक कोशिश रहती है कि पशुपालकों को दिखा करके जाएं समय की उपलब्धता के साथ साथ, और वही चीज़ें आज भी एक मिल्किंग रेफरेंस के लिए आपसे भाइयों को दिखा रहा हूं। लेकिन आप सबसे एक ही गुजारिश, इसको फाइनल ना माने, खुद आए पशुधन को देखें, जांचें परखें, फिर लेकर के जाएं। और अजय सर ने खुद अपने स्टेटमेंट भी दी है कि कोई कितने टाइम आकर के देख लो, किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन, कोई गुंजाइश नहीं रहने वाली। काफ़ी अच्छी अच्छी झोटियाँ, काफ़ी अच्छा अच्छा पशुधन समय समय पे पशुपालकों को देते आए हैं, आगे भी उम्मीद करते हैं इस डेयरी फार्म से देते रहेंगे, अच्छा अच्छा पशुधन देखने को मिलता रहेगा। तो झोटियाँ आप देख लीजिए, बात करें अडर के झड़ाव की, तो दोनों थन, चारों थन बिल्कुल खाली कर दिए गए हैं, शानदार झड़ाव है। जो भी दूध होगा अभी पशुपालकों के समक्ष सामने आ ही जाएगा। दूसरी जो फर्स्ट टाइमर झोटी है ये भी काफ़ी अच्छी है, तो इसमें भी काफ़ी अच्छा दूध आप सब पशुपालक भाइयों को देखने को मिलेगा, और बड़ा बड़ा धन्यवाद, आभार जो इतना प्यार प्रेम इतना देते हो। अप्रोक्सीमेट एक बार झुका के दिखा दो सर, वैसे ही ये देखो जी भाई, कोई भी भाई आके दो टाइम निकाल के दूध ले जाएगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, फालतू मिलेगा, सिर आसर कम ना मिलेगा। ठीक है सर, तो रेफरेंस के लिए एक मिल्किंग वीडियो आप सब भाइयों को दिखाई, सभी का बार बार धन्यवाद, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, राम राम, जय श्री राम।